नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आरबीआई ने रेपो दर घटाई, कम होगी ईएमआई। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मुख्य नीतिगत दर 0.50% घटा दी। इसके साथ ही बैंक ने आवास ऋण लेने वालों के लिए मानदंडों में ढील भी दी है। इससे पहले जून में इसे 0.25% घटाकर 7.25% किया गया था। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में भी फिर एक बार संशोधन किया है। इसे 7.6% से घटाकर 7.4% कर दिया गया है, जबकि खुदरा मुद्रा स्फीति के बारे में कहा कि यह जनवरी 2016 में 5.8% रहेगी। इस घोषणा के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने बेंचमार्क ब्याज दर 0.4% घटाकर 9.3% कर दी। आईसीआईसी बैंक की सीईओ चंदा कोचर ने कहा कि ब्याज दर नीचे आएगी और कटौती के एक बड़े हिस्से का लाभ ग्राहकों को मिलेगा। केजरीवाल ने मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया। मेक इन इंडिया के मुकाबले मेक इंडिया की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल किया और इस बात पर हैरानी जताई कि निवेश के प्रयास में अलग अलग कंपनियों में जाना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मोदी की दो देशों आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा की समाप्ति पर केजरीवाल ने पूछा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से देश को क्या हासिल हुआ और साथ ही फेसबुक मुख्यालय तथा गूगल परिसर सहित उनके अन्य कार्यक्रमों को लेकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कई ट्वीट किए और पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा समाप्त, यह सोचने का वक्त है कि देश को उनकी विदेश यात्राओं से अब तक क्या मिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीवार नहीं बना रहा भारत। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक राकेश शर्मा ने मंगलवार को कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीवार का निर्माण नहीं कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया है। उन्होंने इन दावों को बेबुनियाद बताया है। शर्मा ने कहा कि जिस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीवार बनाना संभव नहीं है। फेसबुक ने कहा भारत में नेट निरपेक्षता की बहस को सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण। सोशल मीडिया क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फेसबुक ने कहा है कि भारत में नेट निरपेक्षता की बहस को सही दिशा में ले जाना जरूरी है, क्योंकि इस देश में अभी भी विश्व की सबसे बड़ी आबादी है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी है। अमेरिका की कंपनी फेसबुक को internet.org पर नेट निरपेक्षता के कथित उल्लंघन पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस दौरान फेसबुक अपनी पहल का बचाव करती रही, जिसके तहत मूल इंटरनेट सेवा उपभोक्ताओं को मुफ्त मुहैया कराने की पेशकश की गई थी। भारत में internet.org पहल के तहत 8 लाख उपयोक्ता हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।